हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ आर्यन और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल आर्यन मित्र आर्ट। तो सबसे पहले तो यार हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि ये न्यू ईयर का पहला वीडियो है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस साल अच्छा हो जाएगा सब कुछ, कोरोना वोरोना चला जाएगा। तो मैं आज 2020 का सब ड्राइंग दिखाऊंगा, और इसमें से कुछ ड्राइंग मिसिंग भी है जो लूट सीट में बनाया था मैंने, तो कहाँ कहाँ रह गया है, तो उसके लिए सॉरी। तो काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग नहीं है, बट दिखाऊंगा जो भी है मेरे पास अभी। तो ये कुछ कॉपी और कुछ सीट्स है, तो देखते रहिए मेरे वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जो A4 साइज में बनाया था कुछ पोर्ट्रेट, और ये जो रिसेंटली बनाया था 25 दिसंबर को, तो ये सब कुछ रिसेंटली ड्राइंग किया था मैंने एक दो महीने में। तो ये देखो, ये पोर्ट्रेट है, बट ये उतना खास नहीं हुआ था, मुझे पता है। तो अगर इसमें से कोई आर्ट आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना कौन सा आर्ट पसंद आया। तो ये है एक दुर्गा माता की फेस, जो कि मैंने दुर्गा पूजा के टाइम बनाया था। तो और ये कुछ कुछ जगह चारकोल पेंसिल के मैं यूज़ किया था यहाँ पर, ये आईब्रो पर। तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो प्लीज़ यार लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे वीडियो मैं हर रोज़ लाता रहता हूँ। तो ये कुछ ड्राइंग्स देख रहे हो आप, और ये है भाई फोटा का, जो कि इसका वीडियो में मेरा चैनल में मिल जाएगा। और ये एक पोर्ट्रेट, तब मैं ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट्रेट ही बनाता था 2-3 महीनों पहले। अभी तो मैं वाटर कलर भी कर रहा हूँ, बट तब पोर्ट्रेट में मेरा बहुत मन था। ये देख रहे हो कुछ पोर्ट्रेट्स, ये भी मेरा चैनल में मिल जाएगा, आप लोगों को पता है। अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, और ऊपर आई बटन में भी मैं लिंक दे दूंगा सब वीडियो का, तो देख लेना। ये भी मिल जाएगा DR का, जो कि बॉल पेन से मैं बनाया था। और एक किंग एंड क्वीन, जो कि चारकोल पेंसिल से बनाया था। और ये माराडोना, ये भी मेरा चैनल में मिल जाएगा, देख लेना। और ये एक मम्मी का हैंड और ये छोटा सा पैर, और ये भी मिल जाएगा। और ये जो गणेश जी का मूर्ति ये बनाया था मैंने, ये मेरा वीडियो डिलीट हो गया था, तो सॉरी यार, तब मैं पहले चैनल स्टार्ट किया था। तो अभी मैं दिखाऊंगा कुछ A5 साइज का कुछ ड्राइंग, जो कि स्केच बुक में बनाया था मैंने। पहले आता है सीताराम दास, जो कि आप लोगों को पता है, आप लोग अगर बंगाली हो तो, मैं बंगाली हूँ तो ये हमारा गुरुदेव है। तो पहले ये बनाया था, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और कमेंट में बताना कि कौन सा ड्राइंग सबसे अच्छा लगा आप लोगों को। तो उसके बाद चार्ली चैप्लिन, ये भी मेरे चैनल में मिल जाएगा, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। और ये गौतम गंभीर, इसका वीडियो मैंने नहीं बनाया था, मुझे पता है ये ठीक ठाक नहीं हुआ। ये एक मिस्टर बीन, जो कि मेरा फेवरेट आर्ट है, मतलब फेवरेट ड्राइंग है। और ये है एक मेरा बदर, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, अगर कंप्लीट हो जाता है तो इंस्टाग्राम में मैं डाल दूंगा, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर दो। तो उसके बाद आता है एक छोटा कॉपी, पहले एक स्टील लाइफ वाटर कलर से बनाया था मैंने। तो ये है एक गणेश जी का, जो कि पत्ते से बना होता ना, और ये एक TR। तो ये इस ड्राइंग जो देख रहे हो आप अभी, तो इस ड्राइंग में मैं
टाइम उतना नहीं देता था, इसलिए ऐसा होता था पहले पहले। तो देख रहे हो उतना खास नहीं है, बट अगर और कुछ टाइम स्पेंड करता तो और अच्छा होता ड्राइंग्स। तो ये भी एक स्टील लाइफ है, देख रहे हो वाटर कलर से किया था। ये महादेव, ये भी वाटर कलर से किया था मैंने। यह एक फुटबॉल प्लेइंग, तो देख रहे हो ये भी स्केच से बना था एक स्टील लाइफ। तो पहले पहले उतना खास नहीं होता था क्योंकि मैं उतना पेशेंस से नहीं करता था, अभी जो पेशेंस से करता हूँ अच्छा अच्छा होता है। बट पहले करने के लिए उतना मूड नहीं आता था। तो अभी दिखाऊंगा हैंडमेड पेपर, एक पैड है मेरे पास A3 साइज का, बड़ा साइज का हैंडमेड पेपर पैड है। तो इसके अंदर मैं कुछ एक्रेलिक कलर से ड्रॉ किया हूँ, जो कि देख रहे हो। पहले ये एक गणेश जी का फोटो, ये एक्रेलिक पेंटिंग मतलब एक्रेलिक कलर से किया था। हैंडमेड पेपर में एक्रेलिक कलर बहुत ही अच्छा लगता है मुझे करने में। तो देख रहे हो कितना मतलब करने बहुत इच्छा होता था, अभी भी करता हूँ मैं। ये देखो एक गर्ल, इसमें से कौन सा अच्छा लगता है कमेंट में जरूर बताना यार। तो ये लास्ट है बुद्ध देव। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छे लगे, और नए नए वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।